अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सब। सो गाइस, आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो होगी कि अगर आप B1 B2 वीज़ा पे आए तो आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम मुख्तसर बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये कि इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो रियलिटी है, रियलिटी से आप बिल्कुल आगे हो जाएं, आपको मालूमात मिल सके सारी। तो स्टार्ट करते हैं अब। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपने ब्लॉग देखे हैं, हर कोई आपको ये समझा रहा होता है कि जो लाइसेंस है वो लाइसेंस आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल भी है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं भी है। वजह क्या है, शिकागो में मैं अभी हूँ, शिकागो के अंदर रूल्स बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, B1 B2 पर जो आपको लाइसेंस मिल रहा होता है वो होता है टेम्प्ररी लाइसेंस, जिसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो थ्री ईयर्स होती है। तो 3 साल तक ये जो आपका लाइसेंस होता है ये एक्टिव रहता है, देन 3 साल के बाद इसको ये एक्सपायर हो जाता है। लेकिन एक्सपायर के बाद आप इसको रीन्यू नहीं करा सकते, आपको एक न्यू एप्लीकेशन बनानी है। न्यू एप्लीकेशन के बाद वही चीज़ें सारी होनी है। तो ये खैर बात की बात है सारी, अभी आपको स्टार्टिंग की जो स्टोरी है वो बताते हैं। तो स्टार्टिंग की जो स्टोरी है वो यही है कि शिकागो के अंदर आपको लाइसेंस TLBD का नहीं मिल सकता है। उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि यहाँ के जो ऑफिसर हैं, यहाँ का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए B1 B2 पर, यू हैव टू स्टे इन शिकागो 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब 1 साल तक आपको शिकागो में रहना है, तब जाकर आपको यहाँ का लाइसेंस, जो टेम्प्ररी लाइसेंस है वो आपको मिलेगा। अगर आप लीज़ भी इनको दिखा दोगे, सर मेरे पास लीज़ है, और लीज़ आपकी 1 साल की है, और आए हो आपकी वो एंट्री देखते हैं कि इनकी US में एंट्री कब हुई है, तो उस तरह से भी वो नहीं दे रहे होते हैं। तो पहली चीज़ अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है, जो भी शिकागो आना चाह रहा है, शिकागो में भाई आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो टूरिस्ट आ रहे होते हैं वो उतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। 1 साल आपको रुकना है, स्टे करना है, उसके बाद आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और जो अदर स्टेट्स हैं उनका क्या तौर तरीका है उसका मुझे इतना नहीं मालूम। तो गाइस, हर स्टेट के जो कानून हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। मतलब आप, अगर मैं अटलांटा की बात करूँ, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन वो चेंज हैं। अटलांटा की ये हैं। अगर हम टैक्सीज की बात करते हैं, टैक्सीज के डिफरेंट हैं। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं सबके अपने अलग अलग ये के तौर तरीके हैं। तो शिकागो का भाई यही सीन है, अगर आपके पास लाइसेंस भी है ना, मतलब आप कराची का लाइसेंस, पाकिस्तान का कहीं का भी आप लाइसेंस लेके आ रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं इस लाइसेंस के बिहाफ पर मैं यहाँ बनवा लूँगा, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब इंटरनेशनल लाइसेंस आप लेके आएंगे उसमें कुछ बात बन सकती है, लेकिन इसके अलावा जो कराची का पक्का जो लाइसेंस होता है वो बन रहा होता है, क्योंकि हमने तो इसको ही फॉलो किया था कि यार लाइसेंस कराची का भी चलेगा, उस पर भी हम बना लेंगे, यहाँ पर वो दिखाकर टेस्ट होगा एक। सबसे पहले वही चीज़ है, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना है, ड्राइविंग अगर आपको लाइसेंस चाहिए अपॉइंटमेंट मिलेगा, देन आप जाएंगे, आप वो अपॉइंटमेंट नंबर, आपका जो सेल फोन नंबर यहाँ का लोकल नंबर होगा वो आपको बताना होता है, वो आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, देन ये आपका विजन जो टेस्ट है, विजन टेस्ट होगा, देन रिटन टेस्ट होगा, रिटन के बाद होगा आपका रोड टेस्ट। तो 3 चीज़ें ये हो रही होती हैं। तो खैर, ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं, लेकिन पहले जो काम है वो यही है, अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं, 5 ईयर्स का आपको पता है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल रहा होता है, तो आप देख लें, अगर 6 महीने का स्टे होता है तो 6 महीने में आप आएँ, 4 महीने रहें, फिर चले जाएँ। जब आप सेकेंड टाइम आएँगे आपको 6 महीने की एंट्रेंस मिलेगी, तो उस टाइम 100% श्योरिटी है कि आपको जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस TLBD वो मिल जाएगा आराम से। और भी तरीके हैं यार, अपने वीज़ा को किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं B1 B2 पे, आप ये चाहते हैं यार नहीं मुझे 1 साल यहाँ रुकना है, वो भी तरीका है, और चेंज कैसे कर सकते हैं वो भी तरीका है।
और वर्किंग वीज़ा पे कैसे चेंज कर सकते हैं उसका भी तरीका है। तरीक़ेकार बहुत हैं इधर। तो पहली जो पहला तरीका वो ये है कि आपको यहाँ यूएस आना है ताकि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलाइन अप हों, आप यहाँ के माहौल को समझ सकें। क्योंकि गाइस पहली और आखिरी बात करेंगे उस ब्लॉग को फिर ख़त्म करेंगे, भाई रील्स और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। अमेरिका को हम किस तरह से रील्स में देख रहे होते हैं, वीडियोस में देख रहे होते हैं, वो अलग ही बिल्कुल, लेकिन रियलिटी इसकी बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है। तो रियलिटी पे आना है, रियलिटी यहाँ की आपको पता है बहुत चेंज है। तो रियलिटी मैं खुद देख रहा हूँ तभी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन होपफुली आप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो अब आपसे मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।